सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। व्यक्ति का चरित्र एक वृक्ष है और उसका मान सम्मान एक छाया। लेकिन ये कितने दुख का विषय है कि हम हमेशा छाया की सोचते हैं, लेकिन असलियत तो वृक्ष ही है। किसी की गरीबी को देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मान सम्मान गरीबों के घर पर मिलता है उतना अमीरों के घर पर नहीं। सफल होना चाहते हैं तो फल की नहीं अपने कर्म की चिंता करनी होगी। आज का पंचांग 29 मार्च 2022 दिन मंगलवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, दोपहर 2:38 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नामक नक्षत्र सुबह 11:28 तक रहेगी। इसके उपरांत शतभिषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:34 से 5:06 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:07 से 12:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। मीन राशि 29 मार्च 2022 दिन मंगलवार, अपने परिवार के साथ जुड़ने और साथ भोजन करने के लिए यह आदर्श समय है। आपके दिमाग में धन या भौतिक संपत्ति की चिंता हो सकती है। अपने आप को नया रूप प्रदान करें और फैशन में रुचि बढ़ाएं। अपने प्यार की कला को दूसरों के साथ शेयर करें। प्रियजनों से मुलाकात और एक सफल व्यवसाय का आपका सपना पूरा होने वाला है। प्रियजनों से मुलाकात और एक सफल व्यवसाय का आपका सपना पूरा होने वाला है। खुद पर विश्वास रखें और बड़ा सोचें, क्योंकि आपके विचारों का आपके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। गलत फहमियों को दूर करने के लिए प्रियजनों से बातचीत करें। जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते वे कुछ नहीं बदल सकते। आज के दिन आपके लिए विशेष रूप से फलदायक भी रहने वाला है। आपके परिवार में किसी सदस्य के विवाह की बात पक्की होने के कारण मांगलिक कार्यक्रम पर विचार विमर्श हो सकता है। आप अपने किसी दूर रह रहे परिजन से कुछ पुराने गिले शिकवे दूर करेंगे। आप अपने घर की साफ सफाई और रखरखाव के काम पर भी आज ध्यान देंगे। आपको कोई पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद सुलझ सकता है, लेकिन आपको अपने आस पड़ोस में हो रही किसी भी वाद विवाद में पड़ने से बचना बेहतर रहेगा। आप अपनी माता जी के साथ अपने ननिहाल पक्ष के लोगों से मेल मिलाप करने जा सकते हैं। आपको अपने कार्य क्षेत्र में यदि कुछ बदलाव करना पड़े तो अवश्य करें, वह आपके लिए लाभदायक रहेगा। सितारों की दशा देखने से लग रही है कि अच्छा आपको मिश्रित फलों की प्राप्ति होगी। व्यापार में विस्तार होने से धन की आमदनी होने लगेगी। अधीनस्थों पर आज विशेष नजर रखें। सावधानियां, एक तरफ तो आपके सिर पर काम का बोझ काफी अधिक रहेगा और दूसरी तरफ आलस्य की वजह से काम करने का मन भी नहीं करेगा। नौकरी पेशा लोगों को आज अधिकारियों की फटकार सुनने को भी मिल सकती है। मध्याह्न के बाद आपकी स्थिति में सुधार आने लगेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। फैशन कला कीमती सामान के प्रति आप आज आकर्षित होंगे। कभी कभी पैसे कमाने के दौड़ में जिंदगी इतनी आगे बढ़ जाती है कि रिश्ते पीछे छूट जाते हैं। खास लोगों के साथ रहना और कार्यस्थल में विजय पाना आपका सपना है। चिंता ना करें और ईमानदार और दृढ़ रहें। आज आप जो भी सोचेंगे वो पूरा होगा। यही नहीं, आपके खास लोग भी आपका साथ देंगे और आपका मार्गदर्शन भी करेंगे। अपने जीवन का यह दौर आपको कुछ टचिंग अनुभव प्रदान करने वाला है, इसीलिए तैयार रहें। बात करते हैं करियर की। आपके ग्रहों के अनुसार यह समय समृद्धि सफलता और वित्तीय लाभ वाला है। बैंकिंग पेशे वाले व्यक्तियों को सहयोगियों से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। धन व्यय करते समय भी थोड़ा सतर्क रहें। किसी आता की योजना को अभी रद्द कर दें। जब कुछ पाने की इच्छा सच्ची और दृढ़ होती है
तो पूरा ब्रह्मांड उस चीज को आप तक पहुंचाने में सहायता करता है। खुद पर विश्वास करें और महत्वाकांक्षाओं को उच्च रखें, क्योंकि आपके विचारों का आपके प्रयासों पर भी प्रभाव पड़ता है। बात करते हैं सेहत की। अधिक काम की वजह से पैरों में दर्द की परेशानी हो सकती है। भोज्य पदार्थों के सेवन में न्यूनता लाएं और मैदा वाली चीजों का प्रयोग करें। आज का उपाय। आज भगवान विष्णु जी को मिठाई में केसर डालकर भोग लगाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।